नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुशल बैरोलिया। मैं मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑन्कोलॉजी का कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। उत्तरी भारत क्षेत्र में ये एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत ही कॉमनली पाया जाता है बाकी दुनिया विश्व के कंपेयर में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही लेट स्टेज में अक्सर डायग्नोज की जाती है, क्योंकि ये कुछ सिम्टम्स या कुछ असर करती नहीं है शरीर पे, या कुछ सिम्टम्स आते नहीं हैं इसके। तो किस तरह से हम इसे जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं या इसका सही समय पे इलाज कर सकते हैं? उत्तरी भारत में गॉल ब्लैडर में पथरी की बीमारी या ये कैंसर की बीमारी बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड में जो बहुत बार मिस हो जाती हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर की थिकनेस। बहुत बार गॉल ब्लैडर की थिकनेस लिखी नहीं रहती अल्ट्रासाउंड पे, या जो सर्जन्स हम लोकली करवा रहे हैं वो इस चीज़ को मिस करते हैं, या उन्होंने गॉल ब्लैडर कैंसर को मैनेज नहीं किया, तो उस तरीके से ये चीज़ें मिस हो सकती हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर ऐसा कैंसर है कि अगर ये सही समय पे डायग्नोस किया जाए तो सर्जरी से इसका सही टाइम पे अच्छा इलाज संभव है और आगे की ज़िंदगी नॉर्मल गुजर सकती है। लेकिन अगर ये एडवांस हो जाए या फैल जाए तो इसमें इलाज करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसे गॉल ब्लैडर की पथरी है, जिसके अल्ट्रासाउंड पे ऐसा लिखा है कि गॉल ब्लैडर थिकनेस बहुत ज़्यादा है, या गॉल ब्लैडर फट गया है, या फिर उसे गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ पी लिया है, तो उसे एटलीस्ट एक सीटी स्कैन या एमआरआई करवाना अवश्य चाहिए ऑपरेशन से पहले। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि शायद ये कैंसर से तो पीड़ित नहीं है। और अगर उन्हें गॉल ब्लैडर की किसी बीमारी के कारण भूख कम लग रही है, वजन कम हो रहा है, शरीर के दाहिने साइड में पेट के हिस्से में दर्द हो रहा है, तो उस केस में भी हमें इस चीज़ का बिल्कुल इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ समय पे डायग्नोज हो सकती है तो इसका ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव है।